हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक साइट पर साइट विजिट के लिए आया था। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या चीज़, मैंने बहुत पहले चीज़ देखी थी, और जैसे आप ये बाउंड्री वाल जो देख रहे हैं, तो ये बाउंड्री वाल मतलब कि ये जो आप फीलिंग देख रहे हैं ना, ये फीलिंग और ये जो अपना नेचुरल ग्राउंड लेवल है, ये वाला ये जो पोर्शन है नेचुरल ग्राउंड लेवल का, और इसके कंपेयर में करीब 2 से 3 मीटर अप्रॉक्स फीलिंग है। तो मैंने इनको सजेस्ट किया था रिटेनिंग वॉल बनाने के लिए, लेकिन अब कॉस्ट कटिंग करने के लिए इन्होंने रिटेनिंग वॉल ना बनाकर एक नॉर्मल RCC वॉल बना दी, जो कि नीचे हर 8-8, 10-10 फीट के डिस्टेंस पर कॉलम दिया है, और कॉलम के बाद इन्होंने पूरा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टील लगाकर एक 200 mm की थिकनेस की एक नॉर्मल RCC वॉल डाल दी। और RCC वॉल डालने के बाद इन्होंने ये पूरी फीलिंग की, आप लेवल का डिफरेंस देख सकते हैं किस लेवल में इन्होंने फीलिंग करी है। ये करीब अपनी 2 लिफ्ट है प्लाई की, तो 2 लिफ्ट मतलब हो गया 2.5 मीटर। तो और ये जो मैं जिस अभी खड़ा हूँ और ये लेवल में करीब 1 मीटर का डिफरेंस है, और ये अभी और कास्ट होना है, ये अप्रोक्स 3 मीटर की फीलिंग है। अब 3 मीटर की फीलिंग करने के बाद ये डायरेक्ट इस जब RCC वॉल पे जब ये सॉइल का पूरा प्रेशर लगा, तो ये हमारा जो RCC वॉल है ये टिल्ट हो गया। फोटो शायद आप वीडियो में देख पा रहे हो कि कितना ज़्यादा टिल्ट हुआ है। देखिए, वो सब बल्लियाँ लगा के रोकी गई हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है वो करने से, ठीक है। और बाद में इनको जब मैंने सजेशन दिया था तब ये नहीं माने, और बाद में ये देखिए एक्स्ट्रा कॉलम देकर इसको इस RCC वॉल से टाई कर रहे हैं, ठीक है। आप ये एक्स्ट्रा कॉलम देख सकते हैं, मिट्टी हटा के दी गई है। इस साइड भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्टील भी कनेक्ट है, ये देखिए, ये हमारा एक स्टील कनेक्ट है, जिससे ये क्या किए हैं कि यहाँ पर एक पाइल कर दिए हैं, पाइल से एक यहाँ बीम देके इस RCC वॉल को रोकेंगे। लेकिन जहाँ तक कि मेरा मानना है कि ये स्टार्टिंग में भी अगर ये चीज़ भी स्टार्टिंग में करते हैं तो कुछ हद तक रुक सकती थी, लेकिन अभी भी नहीं रुकेगी ये, क्योंकि इनका स्टील बांधने का आप अगर तरीका देखेंगे तो देखिए लैप नाम की चीज़ या कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है। अगर मैं आपको क्लियर दिखाऊँ और यहाँ पर दिखाऊँ, ये देखिए, देख रहे हैं, तो ये रिबारिंग की जगह अगर इसको रिबारिंग करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। इन्होंने ब्रेकर से तोड़कर वॉल के डिस्ट्रीब्यूशन और मेन सरिये में इसको टाई कर रहे हैं, ये बीम को, छोटी सी बीम है, और इस कॉलम के जरिए रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ से भी देख सकते हैं इस तरफ की वॉल भी टिल्ट हो चुकी है, ठीक है, स्ट्रेट तो है नहीं, वॉल टिल्ट हो चुकी है। और ये देखिए दूसरा इनका एक और मिस्टेक है, मतलब मैं ये जो मिस्टेक बता रहा हूँ ये भी आप अपने साइड पर होने से रोकिएगा, ऐसा गलती मत करिएगा। ये देखिए, ये हमारा वॉल अभी कंटिन्यू जाना है, तो कंटिन्यू जाना है तो यहाँ पर हमको क्या देना चाहिए था, शीयर की। जब हमारा ये हमारा ओल्ड कंक्रीट है, अब इसके ऊपर जब न्यू कंक्रीट आएगा तो बॉन्डिंग कैसे करेगा वो, तो देख रहे हैं ये क्रैक, इसका मतलब कि वाटर सीमेंट रेशियो भी प्रॉपर नहीं था, और कोई प्रॉपर मेथड नहीं है स्टील को मतलब उसकी स्पेसिंग या फिर आप कह सकते हैं लैप की, वो कुछ प्रॉपर नहीं है। कवर भी प्रॉपर नहीं है, कवर भी आप देख सकते हैं कि कितना कवर दिया गया है, इस साइड का कवर, इस साइड का कवर, ऐसा कुछ भी प्रॉपर काम ना होने के कारण ये जो वॉल है हमारी टिल्ट हो चुकी है। तो आप लोग से मैं इतना ही बोलूँगा, जब भी आप अपने साइड पर काम कराएं, अगर ऐसी ह्यूज फीलिंग आ रही है जहाँ 2-3 मीटर की फीलिंग आ रही है, तो आप पूरा प्रेफर कर रहे हैं कि आप उसका जो रिटेनिंग वॉल है उसको रिटेनिंग वॉल के पोर्शन में दें, जैसा आप ये फोटो में देख रहे हैं ना, इस टाइप का रिटेनिंग वॉल बनाए, चाहे सू टाइप बनाए, चाहे अपना ये उल्टा टी जिसको बोलते हैं रिटेनिंग वॉल, ये उल्टा टी टाइप में बनाइए, चाहे ये सू टाइप आप रिटेनिंग वॉल बनाइए, दोनों में से आप कोई भी रिटेनिंग वॉल बना सकते हैं, और एक अच्छे इंजीनियर से कंसल्टेंट करने के बाद ही आप ऐसा कुछ भी काम करिए। देखिए अब इनका कितना लॉस हुआ, ये काफ़ी लंबी है, मतलब कि अप्रोक्स 300-400 मीटर की वॉल है, ठीक है, और ये ग्राउंड लेवल देखिए, और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा टिल्ट हो गई है वॉल। अगर मैं इसी तरह कॉर्नर में दिखाऊं आपको, तो कॉर्नर में भी यही हाल है, कॉर्नर में भी इन लोगों ने अलग अलग टाइप के मतलब कि ये एक्स्ट्रा कॉलम और बीम देकर बाउंड्री वॉल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ सक्सेस नहीं है। क्यों नहीं है सक्सेस, बीम का स्टील भी सही नहीं है, और इनका जो स्टील फिक्सिंग का जो तरीका है वो भी सही नहीं है। कॉर्नर में क्या किया गया है, कॉर्नर में भी देखिए, अब दूसरा चीज़ आप देखिए कि ये जो अपना पाइल कैप जो पाइल है उसके ऊपर जो इन्होंने कंक्रीट किया है, तो कंक्रीट के ऊपर शेयर की ही नहीं है। अब जब इसके ऊपर हम जब बीम डालेंगे तो बॉन्डिंग क्या चीज़ से करेंगे, कुछ ऐसा है नहीं, पूरा स्मूथ सरफेस इसका टॉप का। इसी तरह बाउंड्री वॉल में भी देख सकते हैं, बाउंड्री वॉल में भी अप्रॉक्स हर जगह ऐसा ही चीज़ है, तो ये बहुत गलत चीज़ है, इससे हमारी बाउंड्री मतलब कि जो स्ट्रेंथ है जो बाउंड्री वॉल बनाने की वो कुछ नहीं हुआ। इधर का देखिए,
इधर का भी पूरा ऐसे ही पूरा ये कॉलम देकर रोकने की कोशिश किए हैं, लेकिन जो कि गलत है। ठीक है, आई होप आप लोग को इस वीडियो से कुछ समझ में आया हो कि आपको अगर जब भी बाउंड्री वॉल बनाएंगे और इतनी ज़्यादा फीलिंग करनी है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।